नेत्रा जिला के नावगढ़ में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। इस युग में कलयुगी बेटों की कहानी आम होने लगी है। कलयुगी बेटे ने पहले पिता को मौत के घाट उतारा, इसके बाद भी अपने जुर्म को छुपाने के लिए पिता के लाश के टुकड़े टुकड़े कर बोरी में भरकर फेंकने के लिए निकल गया। लेकिन पुलिस ने सूचना मिलने पर तुरंत तत्परता दिखाते हुए अपराधी का पीछा कर गिरफ्त में ले लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी का नाम मुकेश बघेल है। घटना 7 अगस्त देर रात नवागढ़ के तिलकपारा की है। मुकेश ने अपने पिता की हत्या क्यों की, पुलिस इसका पता लगा रही है। फिलहाल घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट साझा। खोगा पानी वार्ड नंबर 10 में आज 5 सालों से पानी की समस्या खत्म नहीं हुई है। जनता आधा किलोमीटर दूर जाकर पानी लेकर आती है, जिससे उनके घरों का गुजारा होता है। नगर पंचायत में आवेदन लगाया, फिर भी उनकी सुनवाई अभी तक नहीं की गई है, ना ही कोई पहल। जिस प्रकार नगर पंचायत के द्वारा पाइपलाइन का काम अभी तक नहीं किया गया है। तो क्या कहते हैं नगर पंचायत में इसका सूचना दी है? हाँ, कई बार दिए। तो क्या बोले? वहाँ से कुछ वही नहीं आ रहा। क्या बोलते हैं? कुछ वही मतलब नहीं आ रहा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बोलते हाँ हो जाएगा करके। वार्ड में घूमने के लिए आए कि नहीं? आए। तो क्या बोले? यही बोलते हो जाएगा करके, नल लगवा देंगे, लेकिन 5 साल से खुद ही परेशान है। टंकी देखिए एकदम ठीक है, फोटो मार लो। सबसे विशेष तो पानी की समस्या है। और 2015 से इनको नगर पंचायत में लेटर दे रहा हूँ। मैं पार्षद हूँ दिलीप कुमार सेन, वार्ड नंबर 10 से। 2015 से जब से मैं निर्वाचित हुआ हूँ, नगर पंचायत अध्यक्ष को, नगर पालिका CMO को, सभी को आवेदन देते देते परेशान हो गए। वार्ड वासियों भी दिए, हम भी दिए। हमारे नगर के अध्यक्ष और CMO द्वारा पाइपलाइन का कार्य नहीं कराया जा रहा है। और पूरी गर्मी हमारे यहाँ की जनता आधा किलोमीटर दूर से झिरिया दफाई से पानी ढोती है, जैसे कि अभी आप देखे ही। और सबसे ज़्यादा समस्या पाइपलाइन का है। अगर जो 180 मीटर पाइपलाइन बिछा देंगे तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन हमने कई बार इनको आवेदन दिया और मौखिक भी कई बार बोला, आश्वासन देते हैं होगा होगा। अभी अभी 23 लाख का टेंडर हुआ है पाइपलाइन का, जनवरी में इनको वर्क आर्डर हुआ है, जिस पर वर्क आर्डर हुआ फिर भी उन्होंने काम नहीं कराया जा रहा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? 15 में हमने लेटर दिया था पाइपलाइन के संबंध में, और उसके बाद 16 में दिया, फिर 17 में दिया, फिर 18 में दिया, फिर 19 में दिया, फिर भी इनको नहीं दिख रहा कि समस्या वार्ड नंबर 10 में सबसे महत्वपूर्ण समस्या पाइपलाइन की है। और अवगत कराते रहते, बीच बीच में इंजीनियर से बोलते हैं, CMO से बोलते हैं, उनका जवाब यही रहता है कि हम कराएंगे कराएंगे। 5 साल निर्मला चतुर्वेदी जी का गुजर चुका, 4 महीने के बाद गुजर जाएगा और उसके बाद समस्या कभी पूरी नहीं हो पाएगी। हमको ऐसा लग रहा है हमारा वार्ड नंबर 10 की जनता बहुत ही परेशान है। हमारी मांगे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़।